चलिए जी, तो चैप्टर नंबर थ्री क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें देखिएगा, सबसे पहले है एवरेजेस। सबसे पहला टॉपिक है एवरेजेस। तो कभी भी किसी भी चीज़ का अगर मेरे को एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम कर दीजिए एंड डिवाइड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहला टॉपिक है एवरेजेस, इसको हम मीन भी बोल देते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये एवरेज होता है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर वन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मेरे में एग्जाम्पल नंबर वन ये दे रखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तुम्हारे में भी यही है? यस सर। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये क्या होगा देखिएगा, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स तो क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इन सब का सम डिवाइडेड बाई 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 से लेकर 10 तक नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 10 तक अगर हम काउंट करेंगे तो नंबर है टोटल 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 हो गई। अब जरा इनको सबको एड ऑन करेंगे तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, + 5 = 15, + 6 = 21, + 7 = 28, + 8 = 36, + 9 = 45, + 10 = 55 upon 10। तो एवरेज कितना आ गया, 5.5 इसका एवरेज आ गया। एग्जांपल नंबर टू देखिए, एग्जांपल नंबर टू, द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स इज 80। इफ फर्स्ट थ्री नंबर्स आर 80, 90 एंड 100, फाइंड द फोर्थ नंबर। द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स, चार नंबर्स का एवरेज जो है वो 80 है। इफ फर्स्ट थ्री नंबर्स आर 80, 90 एंड 100, फाइंड द फोर्थ नंबर। तो लेट द फोर्थ नंबर बी एक्स। तो एवरेज ऑफ फोर नंबर्स इज इक्वल टू 80। चार नंबर्स का एवरेज 80 दे रखा है। ठीक है, तो और जो शुरुआत के तीन नंबर है ना, फर्स्ट थ्री नंबर्स, ये दे रखे हैं 80, 90 और 100। तो चौथा नंबर मैंने x मान लिया, तो ये होगा किस तरह से, 80 + 90 + 100 + x। तो ये चार नंबर हो गए, तो डिवाइडेड बाई कितने नंबर, चार नंबर, तो डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 80। अब ये जो 4 है इसको यहाँ 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 + 90 हो गया 170, 170 प्लस 100 हो गया 270, 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 80 कितना हो गया, 320। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 320 माइनस 270, x की वैल्यू हो गई 50। इसका मतलब जो हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो है 50। समझ गए? यस सर। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा इसी तरह से। एग्जांपल नंबर 3 में वो बोल रहे हैं द
एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री में बोल रहे हैं द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन फॉर फर्स्ट एट इनिंग्स इज 75 रन्स. द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन फॉर फर्स्ट फोर फॉर फर्स्ट एट इनिंग्स इज 75 रन्स. इफ ही स्कोर्स 80 एंड 100 रन्स इन नाइन्थ एंड टेंथ इनिंग्स रिस्पेक्टिवली फाइंड हिज एवरेज स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स. ठीक है, अब ये जो इनिंग्स है, अब मेरे को क्रिकेट का आइडिया नहीं है, आपको है या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो थोड़ा बहुत आइडिया है उससे मैं बताता हूँ कि इनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक टीम ने, जैसे एक टीम ने की बैटिंग आई तो दूसरी टीम ने उस टाइम बॉलिंग करी, ठीक है, फिर दूसरी टीम की बैटिंग आई तो पहली वाली टीम बॉलिंग करेगी. तो इसका मतलब एक बार पहली टीम की बैटिंग की बारी आई, एक और दूसरी टीम की बैटिंग की बारी आई, तो ये जो एक ग्रुप है ये एक इनिंग हो गई. इसके बाद जब दूसरी इनिंग होगी तो फिर से वही 10 के 10 खिलाड़ी एक के बाद एक बैटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद 10 के 10 दूसरी वाली टीम के खिलाड़ी वो बैटिंग करेंगे. तो ये होती हैं इनिंग्स. तो अब आप ये देखिएगा कि एक बैट्समैन है, उस बैट्समैन की जो उन्होंने रन जो उसने स्कोर करे उसका इन्होंने एवरेज दे रखा है. तो इन्होंने बोला था एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन फॉर फर्स्ट एट इनिंग्स इज 75 रन्स. ठीक है, तो हमने ये कहा लेट द स्कोर्स, लेट द स्कोर्स ऑफ रन्स, लेट द स्कोर ऑफ रन्स ऑफ द बैट्समैन फॉर ऑफ द बैट्समैन फॉर फर्स्ट एट इनिंग्स बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कॉमा डॉट 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 टिल एक्स एट. ठीक है, तो स्कोर जो हुए, जो उसने शुरुआत की जो एट इनिंग्स है उसमें जो उसने एक एक हर मतलब एक इनिंग में जो स्कोर बनाया उसको एक्स वन माना, दूसरे में जो बनाया उसको एक्स टू माना, जो तीसरे में बनाया उसको एक्स थ्री माना, इस तरह से टोटल एक्स एट तक मान लिया. उसके बाद क्या है, अब वो बोल रहे हैं कि एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन फॉर फर्स्ट एट इनिंग्स इज 75 रन्स. तो एवरेज स्कोर of 8 innings, average score of 8 innings ये कितना हो गया 75 runs. अब average score जो 8 innings का वो होगा क्या x1 plus x2 plus dot 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 कहाँ तक x8 तक upon 8, कितनी innings है 8 तो divided by 8 is equal to 75. अब इसे 8 को इधर ले जाएंगे, x1 plus x2 till x8, 8 into 75 तो 8 5s are 40, 8 5s are 40, 4 carry आ गया, 8 7s are 56 और 4 60, तो ये 600 आ गया. इसको मैंने बोल दिया equation number 1. फिर वो बोल रहे हैं, इन्होंने कहा if he scores 80 and 100 runs in 9th and 10th innings respectively find his average score of 10 innings. तो उन्होंने बोला कि 9th और 10th इनिंग में वो कितने कितने रन बनाता है, एक में 80 रन बनाता है और एक में 100 रन बनाता है. तो एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन उसने जो 9th इनिंग में जो रन बनाए वो कितने बना लिए 80, और जो 10th इनिंग में जो उसने रन बनाए वो कितने बनाए 100. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अब आप उसकी 10 की 10 इनिंग्स का एवरेज बताइए. ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे हम, यहां लिखिएगा एवरेज स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स, एवरेज स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स ये मेरे को कैलकुलेट करना है. तो एवरेज स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स कितना हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 टिल एक्स एट प्लस एक्स नाइन प्लस एक्स टेन और डिवाइडेड बाई टेन. ठीक है, एक्स वन एक्स टू से ऐड करते करते एक्स टेन तक ऐड करना है और डिवाइड बाई, अब इनिंग्स कितनी है 10 इनिंग्स है तो डिवाइड बाई टेन. तो एक्स वन से एक्स एट तक का जो एडिशन है वो हमारे पास 600 है, तो लिखो 600.
और x9 और x10 की वैल्यू कितनी है, 80 प्लस 100 अपॉन 10, 680 और प्लस 100, 780। तो उसका जो एवरेज स्कोर है वो 78 रन है 10 इनिंग्स का, समझ गए? यस सर। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा, एग्जांपल 4 में क्या है, इसमें है द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 45। 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 45 है। ठीक है, इफ एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स इज 48 एंड दैट ऑफ लास्ट 8 स्टूडेंट्स इज 42, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 8th स्टूडेंट, के 8वें स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए। अभी बताते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, और हम ये करेंगे लेट द मार्क्स स्कोर बाय लेट द मार्क्स स्कोर बाय 15 स्टूडेंट्स बी x1 x2 x3 डॉट 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 टिल x15। तो 15 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स स्कोर करे हैं ना, उसको मैंने x15 तक मान लिया, x1 x2 x3 टिल x15। अब वो बोल रहे हैं कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 45, तो क्या दे रखा है वो देखिएगा। बीच में 8 आ गया प्लस x9 प्लस x10 प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते x15 अपॉन 15। तो एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 45। तो ये 45 हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इतना हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब वो बोल रहे हैं इफ एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स इज 48। तो अब ना मैं इसमें एक काम करूँगा कि ठीक है, ये जो पूरा का पूरा एडिशन है 15 को उधर ले जाइए, 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे पास ना ऐसे आ गया x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 टिल x15। तो ये आ गया 15 × 45, तो 15 × 5 = 75, 7 क्या ही 15 × 4 = 60 और 7 = 67, 675। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर वो बोल रहे हैं कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स इज 48, कि जो पहले 8 स्टूडेंट्स हैं ना, अगर सिर्फ उनके एवरेज मार्क्स निकाले जाएं तो वो आ रहे हैं कितने, 48। ठीक, तो यहाँ पर लिखिएगा गिवन एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, तो जो शुरुआत के जो पहले जो 8 स्टूडेंट हैं, मतलब x1 से लेकर x8 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं बेटा 48। इनके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 48, और एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 टिल x8
अपॉन 8 इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई करिए x1 प्लस x2 डॉट 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 टिल x8 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 8 8 64 8 4 8 8 64 6 कैरी आ गया 8 4 32 और 6 38 384 ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फिर वो बोल रहे हैं कि एवरेज मार्क्स ऑफ एट दैट ऑफ लास्ट 8 स्टूडेंट, मतलब लास्ट के जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो देखिएगा कितने हैं लास्ट के जो 8 स्टूडेंट्स हैं। तो उसको ना हम फिंगर पर काउंट करते हैं ऐसे कि 15 15 14 15 14 13, ये तो हो गए 3, 15 14 13 12 11 10 9 और 8। तो टोटल x8 से लेकर और x15 तक लास्ट के 8 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज मार्क्स ऑफ लास्ट 8 स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ लास्ट 8 स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा x8 प्लस x9 प्लस डॉट 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 टिल x15 ठीक इज इक्वल टू अपॉन 8। तो ये भी तो 8 स्टूडेंट्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 8 इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 42। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x8 प्लस x9 प्लस डॉट 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 टिल x15 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 2 16 8 4 32 और 1 33 336 इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। अब क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, तो मुझे ना इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि x8 से x8 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इस सीरीज़ में x1 से लेकर x8 तक हमें जाना है और इस सीरीज़ में x8 से लेकर x9 तक जाना है, तो सब्ट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे x8 ही निकालना है। उन्होंने पूछा है कि फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाई 8th स्टूडेंट, के 8वें स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं वो बता दो बस। तो वो निकालने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करने में फ़ायदा नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा इक्वेशन 2 और 3 को। यहाँ तक क्लियर है ना वैसे तीनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड और थर्ड? ठीक है। तो अब आप क्या करिए कि ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को जब ऐड करेंगे तो x1 x2 टिल x8 x1 प्लस x2 डॉट 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 टिल x8, फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा तो x8 प्लस x9 प्लस डॉट 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 टिल x15। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया और इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में इसका राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, यानी कि 384 प्लस 336 इतना हो गया। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना बेटा, इसको देखिए x1 से लेकर x8 तक का सम है, फिर x8 से लेकर x15 तक का सम है, तो एक x8 ना फालतू आ रहा है, x8 जो है वो दो आ रहे हैं। तो जो एक x8 है उसको इस पूरी सीरीज से बाहर निकाल दो, इस पूरी सीरीज से एक x8 एक्स्ट्रा आ रहा है, समझ गए ना मेरी बात? यहाँ पर x1 x2 x3 टिल x8, फिर अगला जो नंबर है वो x9 आना चाहिए था, तो x1 से लेकर x15 तक का टोटल सम मेरे पास है ही, तो एक x8 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको बाहर निकाल लो। तो हमने इसमें क्या करा कि एक x8 एक्स्ट्रा था उसको बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 टिल x15। ठीक है, तो ये मेरे पास x1 से लेकर x15 तक का टोटल सम आ गया। अब उधर राइट हैंड साइड में 384 प्लस 336 जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 इज 10, 4 प्लस 6 इज 10, 1 कैरी आ गया, 8 प्लस 3 इज 11 और 1 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7, ये हो गया 720।
तो x1 से लेकर x15 तक का जो सम है एज पर इक्वेशन नंबर 1 वो है 675 is equal to 720. तो x8 is equal to 720 minus 675. तो x8 कितना आ गया? 45. Clear? Yes, sir. ठीक है, marks scored by 8 student are 45. ऐसे ही example number अगला देखिए, example number 5. In an examination, the average marks scored by a class 40, by a class of 40 students was calculated as 72.5. The average marks scored by a class of 40 students. तो हमने ये मान लिया कि हर एक स्टूडेंट, जो पहला स्टूडेंट है, उसके मार्क्स x1 है, दूसरे के x2 है, तीसरे के x3 है, और ऐसे ही जो 40वां स्टूडेंट है उसके मार्क्स x40 हैं. तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इसमें दिया है एवरेज मार्क्स average marks of 40 students was calculated as 72.5. तो 40 students के जो average marks थे वो कितने आए? 72.5. तो इनके average marks कैसे calculate करें जाएंगे? देखिए x1 plus x2 plus dot 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 till x40 divided by 40 is equal to 72.5. इतना आ गया. अब 40 को उधर ले जाओ, जैसा हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि x1 plus x2 till x40, ये इधर रह गया, 40 को उधर ले गए. ये हो गया 40 into 72.5. पॉइंट गया तो नीचे टेन आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 4 5 22 कैरी आ गया, 4 2 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, 4 7 28 और 1 29 2900. ये मेरी मतलब इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? ये इधर दिखाई नहीं दिया होगा, नीचे लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1. ठीक, ये करने के बाद में फिर है, लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर रॉन्गली कॉपीड एज 48 इंस्टेड ऑफ 84. फाइंड द करेक्ट एवरेज. तो करेक्ट एवरेज निकालते हैं. करेक्ट एवरेज कैसे निकलेगा? इन्हीं में से किसी एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो रॉन्गली कैलकुलेट हो गए, मतलब रॉन्गली एंटर हो गए. तो यहां लिखिएगा, अब उसका सारे नंबर्स का, अब किस किस के कितने कितने नंबर है ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन सारे बच्चों के नंबर्स का सम मेरे को पता चल चुका है x1 से लेकर x40 तक. ठीक है, पहले बच्चे के नंबर x1, दूसरे बच्चे के नंबर x2, तीसरे के x3, चौथे के x4, ऐसे ही 40वें बच्चे के नंबर है x40. तो इन सब का सम मेरे पास आ चुका है. इन सब का सम कितना है? 2900. तो ये तो हमारे पास है, लेकिन उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद हम इसमें ऐसा करेंगे कि x1 प्लस x2, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, करेक्ट एवरेज निकालना है तो लिखिएगा करेक्ट एवरेज. करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू x1 प्लस x2 टिल x40, इन सब का सम. अब इन सबके सम में से जो गलत वाली एंट्री है, जो गलत वाले मार्क्स हैं उनको तो सब्ट्रैक्ट कर दो और जो सही वाले हैं उनको ऐड कर दो. तो देखो क्या लिखा है, इट वॉज डिटेक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर रॉन्गली कॉपीड एज 48 इंस्टेड ऑफ 84. तो गलती से उसके नंबर लिख दिए गए 48 जबकि नंबर उसके थे कितने? 84. ठीक है, तो 48 गलत लिख दिया गया था, तो गलत वाले को डिलीट कर दीजिए. तो 48 को तो बेटा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने और 84 को ऐड कर दिया. ये समझ में आ गया? ठीक है, तो टोटल में से गलत वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही वाले को ऐड कर दिया. तो आप ये देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 40 ही रही ना भाई, एक गलत वाले को डिलीट कर दिया तो 39 रह गई, फिर सही वाले को ऐड कर दिया तो फिर से 40 ऑब्जर्वेशन होंगे. समझ गए? तो ऑब्जर्वेशन टोटल 40 की 40 ही रही, तो डिवाइड बाई 40,
अब एक्स वन से लेकर एक्स फोर्टी तक, ये मेरी बात समझ में आ गई ना कि फोर्टी ही रही ऑब्जर्वेशन, ठीक है? चलिए, तो x1 से x40 तक का जो एडिशन है, जो सम है टोटल, वो कितना है 2900, उसमें से 48 सबट्रैक्ट कर दिया, 84 ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 40, डिवाइड बाय 40, ये है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये पहले तो ऐड कर दो, तो 2984 माइनस 48 नीचे 10 है तो इधर पॉइंट आ गया 73.4, ये बच्चों का एवरेज हो गया, करेक्ट है बच्चे, समझ गए? Yes, sir. उसके बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस ट्राई करिए, सारे कर लो ट्राई, कल तो लास्ट होगा ना शायद? Yes, sir, कल लास्ट पेपर, ठीक है, वो करने के बाद में एक्सरसाइज 3.1 ट्राई करिएगा, ठीक, और आपके डाउट्स फिर कल की क्लास में लेता हूँ, कल क्लास वही नाइट में ले पाऊंगा, ठीक है? ओके, चलिए, ओके, थैंक यू, ओके।